नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त रोहित शर्मा और साथ ही साथ ईशांत शर्मा को लेकर आ रही है। दरअसल दोनों ही इस वक्त एनसीए में हैं और दोनों को ही ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए जाना है, लेकिन खबर ऐसी आ रही है जिसके मुताबिक टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है। आपको पता ही है कि टीम इंडिया के लिए विराट कोहली सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, यानी पहले से ही टीम इंडिया के लिए झटका तय है। और उसके बाद अगर ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा के बारे में जो खबर आ रही है वो एक और बड़ा झटका है। दरअसल खबर ये आ रही है कि दोनों की ही फिटनेस 100% नहीं हो पाई है, यानी कि दोनों ही अभी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंजरीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय उनके पास बहुत कम है, अगले 2 से 3 दिनों में उन्हें फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की। अगर नहीं पकड़ी तो वो दोनों टेस्ट मैच की सीरीज से बाहर हो जाएंगे, ये खबर आ रही है। कल ही आपको मैंने रवि शास्त्री का भी बयान सुनाया था, उन्होंने कहा था कि अगले 3 से 4 दिन में अगर फ्लाइट नहीं पकड़ी रोहित और ईशांत ने तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनका टेस्ट मैच की सीरीज में खेलना, क्योंकि वहां पर क्वारंटीन के भी नियम है, 14 दिनों की क्वारंटीन पीरियड को भी सर्व करना पड़ेगा, 17 तारीख से पहला टेस्ट मैच है। ऐसे में सभी ये कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा को अपनी फिटनेस पूरी तरीके से 100% साबित करके फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। लेकिन खबर जो आ रही है एनसीए से वो यही आ रही है कि अभी तक फिटनेस इंप्रूव नहीं हो पाई है, उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाई है कि वो मैच फिट घोषित कर दिया जाए। ऐसे में सिर्फ 2 से 3 दिन का वक्त बचा है, अगर इसमें नहीं हो पाया तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी टीम इंडिया के लिए। क्या सोचना है आपका इस खबर पर, बताइएगा कितना बड़ा झटका आप इसे मानते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।